सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। जी हाँ गाइज, ये बिल्कुल एक ब्लॉग है बट अपने स्टूडियो से मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ना आज से करीब एक डेढ़ मंथ पहले मैंने एक ग्राफिक कार्ड खरीदा था जो कि दिल्ली में रोमियो गेमर के पास था। और इसी वक्त गाइज मुझे प्रणब का कॉल आता है, जी हाँ मेरे मैनेजर, वो बोलते हैं कि यार दिल्ली में एक फोटोशूट है, वहाँ पर आ जाओ। तो मैंने सोचा यार ग्राफिक कार्ड भी लेके आऊंगा और फोटोशूट भी करके आऊंगा, तो गाइज मैं चला दिल्ली की तरफ। ये बॉलिंग है ना, मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। और रोमियो मतलब अक्सर कर करके उसका आदत हो चुका है। गजब बेइज्जती है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं दिल्ली आया था बट मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। सच बोलूँ ना, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फोटोशूट था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लोग ना कौन है तुम जानते हो? नहीं। और गाइस मेरे को ना ऐसा बोला गया कि इंडिया का कोई केस आने वाला है और वो कौन है मुझे पता नहीं, ठीक है भाई। हमारे हमारे अपकमिंग सिंगर। अरे अरे। सो गाइस, यहाँ पर विक्सू का फोटोशूट हो चुका है, ठीक है। अभी मेरी बारी है और मुझे ना कुछ इस तरीके से बादशाह से लग रहा हूँ ना। ये विक्सू के भैया हैं और ये विक्सू के साथ उनके सॉन्ग में आए थे, आपने नोटिस किया होगा, अरविंद भाई है। और गाइस यहाँ पर कंटेंट की तलाश में रोमियो घूमता हुआ आप देख सकते हो। गाइस ये भैया ने मेरे को ना बोला है कल जाके जिम ज्वाइन करो, कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिस रहा मेरा सबके सामने कि मैं यहाँ से जाने के दो दिन बाद ही जिम ज्वाइन कर लूंगा। सो गाइस, अब यहाँ पर ना टेस्ट चल रहा है, इसके बाद मेरी बारी है और फोटो वगैरह आएंगे इंस्टाग्राम में। तो अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, यहाँ पर यूजर हैंडल आ रहा है, जाके फॉलो करो। 2.5 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं, कर दो यार जाके, क्या कर रहे हो गाइस। हम दो भाई एक्चुअली ना छोटे में मेले में भटक गए थे, देखो सेम लग रहे ना वही ना, ये देखो एक कलर भी मैच कर रहा है। बिक्सू बोल रहा है ना ये चश्मा लगाने के बाद मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। वो तो है, और ये गाइस आपसे मेरा हेयर स्टाइल ये होगा, बिल्कुल बहुत मैं भी ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। हीरो लगते हैं गाइस, अगला गाना बुक। गाइस हमारे यहाँ पर फोटोशूट अभी ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है। गाइस मेरे को यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आज जिंदगी में सही बता रहा हूँ पहली बार मेरे को मैं लग रहा हूँ और अभी गाइस स्मार्ट लग रहे हैं यार, मतलब बाकी टाइम में साले बाकी टाइम में स्मार्ट लग रहे हैं लेकिन आज ओवर स्मार्ट लग रहे हैं। खूबसूरती देखो, नूर ना चेहरे से निकल रहा है। एडिटर अगर एडिट कर रहे हैं ना तो नींबू वींबू लटका देना, इसके नजर लगा देना। मेरी नजर लग रही है, भिक्षु की भी लग रही है, भिक्षु ने भी लगा दी नजर। सो गाइस अभी हमारा शूट खत्म हो चुका है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जाने के लिए रेडी है। देखो भाई कितने लोग हैं यहाँ पर, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझ ऊपर साथ बन रखे हैं सबके साथ, बारात वाली फील आ रही है। एग्जैक्टली एक्चुअली ये फोर सीटर है और हम लोग सिक्स लोग हैं क्योंकि हम लोग बहुत मोटे मोटे तगड़े हैं, तो ठीक है। सबसे ज्यादा वजन अमित भाई का ही है वैसे, मेरा पूरा 50 किलो भी नहीं होगा। सो गाइस अभी मैं दिल्ली पे आया हूँ, ठीक है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊंगा। रोमियो कुछ हेल्प करना भाई, ब्लॉग कैसे बनाऊं? क्या कहूं गाइस, मैं यार बहुत ज़्यादा थके पड़े हैं, अभी आए हैं दिल्ली। गाइस ब्लॉग बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया था और ब्लॉग बनाना ही भूल गया। पूरा ब्लॉग रोमियो के चैनल में आएगा, जाकर देख लेना। जो कि मेरे पास ग्राफिक कार्ड था और एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने उस ग्राफिक कार्ड को अच्छे से चेक किया और उस चेक करने के चक्कर में 15-20 मिनट मेरे वेस्ट हो गए और मेरा फ्लाइट मिस होते होते रह गया। सो गाइस मैं ना दिल्ली से घर जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है आज फ्लाइट मिस होने वाली है क्योंकि मैंने लाया था अपने साथ ग्राफिक कार्ड, ये वाला 3090, और चेकिंग के टाइम ने इसको ऐसा ट्रीट किया कि लाइक इसमें कुछ खतरनाक सी चीज़ है। लिटरली आधा घंटे तक चेक किया इन लोगों ने, तब जाके भाई उसने छोड़ दिया। एक बंदा था जो समझता सब कुछ कि ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर का पार्ट है ये वो, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। सो मेरा गेट नंबर है गाइस 60,
अभी हम 41 में, पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है। सो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और भगवान की कृपा से फ्लाइट मिस नहीं हुआ। मेरा चेहरा देखो यार गाइस, एक सूट था, रात को सोया, उठा और सीधा एयरपोर्ट आ गया। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, 10 बज रहे सॉरी, तो 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। चलो फाइनली घर जा रहे हैं। सो गाइस एक ग्राफिक कार्ड लाने के चक्कर में फ्लाइट मिस होते होते बची है। लिटरली इस ग्राफिक कार्ड ने आज मेरी फ्लाइट मिस कर दी थी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर बोर्डिंग पास हो चुका है और अभी हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा फ्लाइट यहाँ पर सामने रेडी है। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।